स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप लोगों के लिए आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आज आप लोगों को सर्जरी फॉर ग्लूकोमा पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्जरी फॉर ग्लूकोमा आप लोगों के सिलेबस का एक नया टॉपिक है जो मैं आज स्टार्ट करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ग्लूकोमा का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। ग्लूकोमा को आम भाषा में काला मोतिया कहते हैं, और ग्लूकोमा के बारे में अगर हम बात करें तो आँख के अंदर कुछ तरल पदार्थ का पोषण के लिए, आँखों के पोषण के लिए एक पदार्थ उत्पन्न होता है। वो पोषक के बाद यह तरल पदार्थ आँख के महीन शेक से बाहर निकलता है और इसे ही हम ग्लूकोमा कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो इंट्रोडक्शन था, तो अब हम एक्सप्लेन से पढ़ते हैं कि ग्लूकोमा के बारे में। तो चलिए, आल ग्लूकोमा सर्जरी प्रोसीजर वेदर लेज़र और नॉन लेज़र आर डिज़ाइन टू अकम्प्लाइज वन ऑफ टू बेसिक रिजल्ट्स, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंट्रा ऑकुलर फ्लूड एक्वस ह्यूमर और इनक्रीज द आउटफ्लो ड्रेन्स ऑफ दिस सेम फ्लूड। और इसी तरह से आल ग्लूकोमा सर्जरी में, ये दो तरह की सर्जरी में देखा जाता है, लेज़र और नॉन लेज़र में डिज़ाइन किया जाता है। और ये ज़्यादातर केसेस देखा गया है कि जब ये एक एक्वस ह्यूमर फ्लूड होता है, वो फ्लूड या तो डिक्रीज हो जाए या आउटफ्लो होने लग जाए, तो ये ऑपरेशन किया जा सकता है। और अगर हम लोग ऑपरेशनली ए प्रोसीजर विल अकम्प्लाइज बोथ, ये दोनों ही कंडीशन में ये सर्जरी किया जा सकता है। करेंटली द गोल ऑफ ग्लूकोमा सर्जरी एंड अदर ग्लूकोमा ट्रीटमेंट इज टू रिड्यूस स्टेबलाइज इंट्राओकुलर प्रेशर। और ज़्यादातर उम्मीद रहती है कि इसके लिए मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट किया जाए। When this goal is accomplished, damage to ocular structure, especially the optic nerve, may be prevented. लेकिन जब देखा जाता है कि ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डैमेज हो रही है या उसे खतरा है, तो इसे रोकने के लिए, ऑप्टिक नर्व के खतरे को रोकने के लिए ये ऑपरेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ऑप्टिक नर्व क्या है, या आप आई एनाटॉमी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आई एनाटॉमी के बारे में पहले बताया गया है। मैंने आपकी क्लास ली थी तो उस टाइम मैंने आई एनाटॉमी के बारे में बताया था। अगर आप लोग आई एनाटॉमी के बारे में नहीं जानते हैं या जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे आई एनाटॉमी के बारे में बताया गया है इस चैनल में, तो आप लोग आई एनाटॉमी देख सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। नीड फॉर ग्लूकोमा, मोस्ट केसेस ऑफ ग्लूकोमा कैन बी कंट्रोल्ड विद वन और मोर ड्रग्स। और ज़्यादातर केसेस में ग्लूकोमा को कंट्रोल करने के लिए एक या एक से ज़्यादा मेडिसिन की या ड्रग की ज़रूरत होती है। बट इन सम केसेस सर्जरी में भी एदर प्रेफर्ड और मोर इफेक्टिव, पर कई केसेस में सर्जरी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। Sometimes surgery can eliminate the need for glaucoma eye drops, और इसके अलावा glaucoma के लिए eye drops भी use किया जाता है। But this is not always the case, पर हमेशा ही ऐसे नहीं देखा गया है। glaucoma surgery creates a new opening for fluid drains, और ज़्यादातर जो glaucoma की surgery है उसे उस fluid को के लिए की जाती है, जो फ्लूड जो हम पहले पढ़ चुके हैं एक्वस ह्यूमर जो फ्लूड होता है उसके अगर उसे क्रिएट करना चाहें तो इस सर्जरी को किया जाता है और आपके ग्लूकोमा को रिकवर किया जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सम रिसेंट
स्टडीज इंडिकेट दैट अ लेज़र प्रोसीजर नोन एज सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबिक्लोप्लास्टी और मे बी इक्वली एज इफेक्टिव एज ग्लूकोमा आई प्रेशर। सम रीसेंट स्टडीज, जल्दी ही आज आप कई स्टडीज़ में देखा गया है, निर्धारित किया गया है कि जो लेज़र प्रोसीजर है उसे हम लोग सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबिक्लोप्लास्टी कहते हैं। और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है कि ग्लूकोमा के लेज़र सर्जरी को प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, तो नोन एज, याद रखिएगा, सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबिक्लोप्लास्टी। और ये ट्रेबिक्लोप्लास्टी जो होता है उसे SLT के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर बात करें, दिस लेज़र सर्जरी माइट बी कंसिडर्ड अ प्राइमरी ट्रीटमेंट पार्टिकुलरली फॉर पीपल हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्प्लाई विद द स्ट्रिक्ट रेगुलर शेड्यूल नीडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग आई ड्रॉप्स। इसके अलावा आई ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह इस सर्जरी से या आपके मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है। एन अदर प्रोसीजर कॉल्ड अ ट्रेबिक्लोएक्टमी क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल, इसमें जो है लेज़र जो सर्जरी होती है उसमें आर्टिफिशियल सर्जरी भी की जाती है ड्रेन्स एरिया के मुताबिक। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन केस ऑफ एडवांस्ड ग्लूकोमा वेयर ऑप्टिक नर्व डैमेज हैज़ अकर्ड एंड द IOP। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ग्लूकोमा ऑप्टिक नर्व को डैमेज होने से बचाने के लिए भी किया जाता है, कंटिन्यू टू शोर, और जो कि लगातार इस तरह करने से देखा गया है कि ठीक हो जाता है। अ थर्ड कॉमन ऑप्शन इज ए शट अ डिवाइस दैट अ सर्जन इम्प्लांट्स इन यूर आई टू इम्प्रूव फ्लू ड्रेन, और इस तरह सर्जरी करने से उनके आईज़ में जो है इम्प्रूव देखा गया है कि वो जो फ्लूड है दोबारा ड्रेन्स बनने लग जाता है और जो शेक होते हैं वो कम्प्लीटली ठीक हो जाती है। और यही था सर्जरी फॉर ग्लूकोमा, और आज हमने सर्जरी फॉर ग्लूकोमा का आज का जो टॉपिक था वो कम्प्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये सर्जरी फॉर ग्लूकोमा टॉपिक समझ में आया होगा, और इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। सर्जरी फॉर ग्लूकोमा काला मोतिया को कहा जाता है, आपकी आँखों में एक फ्लूड होता है जो कि पोषण देता है, और वो फ्लूड उम्र के हिसाब से कई बारी आउटफ्लो होने लग जाता है या उनका लेवल जो है डिक्रीज होने लग जाता है, उसी को रिकवर करने के लिए सर्जरी की जाती है। और ये जो सर्जरी होती है वो लेज़र और नॉन लेज़र प्रोसीजर में होती है। जो लेज़र प्रोसीजर होता है उसे जो है SLT कहा जाता है, यानी कि सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबिक्लोप्लास्टी। और इसके बाद ये सर्जरी में ज़्यादातर मेडिसिन, अगर ड्रग की बात करें तो ड्रग्स ज़्यादा नहीं यूज होते हैं, एक या एक से ज़्यादा ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इसमें जो है इसी तरह से इसे सर्जरी फॉर ग्लूकोमा को पेशेंट के साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसे रिकवर किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में ऑप्टिक नर्व के प्रॉब्लम में जो ब्रेन आई से ब्रेन से कॉन्टैक्ट होता है वो अगर डैमेज हो ऑप्टिक नर्व तो उसे भी रिकवर करने के लिए ये ग्लूकोमा सर्जरी की जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, और मिलते हैं कल के आपके नए टॉपिक के साथ। कल हम लोग मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।